निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान पर AK-47 से हमला जिसने भी किया हो वह तो सलाखों के पीछे जरूर जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो शहाबुद्दीन के परिवार को फिर से फंसाने की साजिश क्यों हो रही है। ओसामा जो घटना के कई दिन से पहले से ही विदेश में है, आखिर उनका नाम FIR में कैसे डाल दिया गया? क्या फिर से सिवान खूनी जंग होने वाली है? आइए जानते हैं थोड़े पुराने पन्नों से सिवान की कहानी। RJD के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, बिहार के राजनीति का ऐसा नाम जब प्रदेश में लालू रावड़ी की सरकार थी तो उनकी तूती बोलती थी। उनके गृह जिले सिवान के लोग इनके नाम से नहीं बल्कि साहब करके पुकारते थे। आज जब मोहम्मद शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है तो उनकी पत्नी हिना साहब और बेटे ओसामा साहब उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं, लेकिन सिवान आज मोहम्मद शहाबुद्दीन की वजह से नहीं बल्कि उनके बेटे ओसामा साहब की वजह से चर्चा में है। गैंग वॉर में मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का नाम। दरअसल बिहार में सोमवार को विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव हुए। इस दौरान सिवान में MLC पद के निर्दलीय उम्मीदवार और खान बर्दर्श के छोटे भाई रईस खान पर AK-47 से फायरिंग की गई। इस घटना में रईस खान तो बच गए लेकिन एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब इस गैंग वॉर में मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का नाम सामने आया है। इस FIR में शहाबुद्दीन के करीबी आफताब आलम, गुड्डू पिस्टल, साबिर अली और डब्लू खान और चन्नी सिंह सिंह सहित 8 के खिलाफ खान ब्रदर्स के रईस खान ने FIR दर्ज कराई है। शहाबुद्दीन के साथ और करीबियों पर भी FIR। इनके अलावा अन्य आरोपियों में शहाबुद्दीन के करीबी जाप गांव के मोहम्मद आफ्ताब आलम, नवलपुर के गुड्डू मियां उर्फ गुड्डू पिस्टल, औरमा पंचायत के पूर्व मुखिया साबिर अली, शेखपुरा के डब्लू खान, बाहुबल के आज़ाद अंसारी, बाहुबल के आसिफ सिद्दीकी, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के चन्नी सिंह का नाम शामिल है। इन सभी पर खान ब्रदर्स के रईस खान ने केस दर्ज कराया है। शहाबुद्दीन के अदावत के बाद अलग गैंग बनाई। ये पहला मौका है जब सिवान जिले से गैंग वॉर में मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि रईस खान को बिहार में खान ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। लंबे वक्त से शहाबुद्दीन गैंग में उनकी अदावत रही। अयूब खान और रईस खान को अभी बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का मुख्य शूटर के रूप में जाना जाता है। हालांकि खान ब्रदर्स ने शहाबुद्दीन के खिलाफ विद्रोह करते हुए अपना एक अलग गैंग बना लिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद अयूब खान और उनका छोटा भाई रईस खान सिवान के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर माने जाते हैं। यही दोनों भाई मिलकर कुख्यात खान ब्रदर्स का गैंग चलाते थे और बड़े पैमाने पर जमीन हथियाने से जुड़े मामलों में भी शामिल थे। सलाखों के पीछे अयूब खान 3 महीने पहले बिहार और बंगाल के चर्चित खान ब्रदर्स के बड़े भाई कुख्यात अयूब खान को STF ने पूर्णिया के 82 थाना से चेकपोस्ट से गिरफ्तार किया था। अयूब खान पर हत्या, रंगदारी, लूट, डकैती और अपहरण के 17 अलग अलग थाने में कुल 42 केस दर्ज हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि बिहार के सिवान में कहां से आई AK-47? कौन थे रईस खान पर गोली चलाने वाले लोग? सिवान पुलिस को इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। बरामद हुई गोलियां बता रही है कि इसके पीछे गैंग वॉर तो नहीं, क्योंकि जिस सिवान पर शहाबुद्दीन के बाद रईस खान और अयूब खान का कब्जा है, जिन्हें खान ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है, वहां एक बार फिर AK-47 गरजना और 150 राउंड गोलियां चलना वाकई बिहार पुलिस के लिए चिंता का सबब है।